जब हमें सीपीयू को ऑन होता है तो हम ये बटन दबाते हैं और कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, तो कभी कभी ये बटन ख़राब हो जाए तो कैसे चेक करें कि बटन ख़राब है नहीं खराब है। देखिए दोस्तों, ये दबाते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ से कुछ तार निकले जाते हैं। ये तार है, देखिए ये तार है, और ये लगता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। ठीक है, तो आज बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि इस मदरबोर्ड में कैसे लगाते हैं और तार ख़राब हो क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सीपीयू का डब्बा है, उसके बाद ये मदरबोर्ड है। ये तो जो तार आते हैं हम कंप्यूटर के अंदर जो है यहीं पे लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ फ्रंट पैनल दिया, देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बहुत बार देखते हैं कि सीपीयू के अंदर अगर ये वाला स्विच खराब हो जाता ना तो कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होता, मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है। तो आज वीडियो में बताएंगे कि इस स्विच को खराब होने के बाद मैं कैसे चेक करें कि प्रॉब्लम है कहाँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए इसको दबाते हैं तो पीछे से एक तार निकला होता है, ये देख सकते हैं ये तार निकला हुआ है। इसको बोलते हैं फ्रंट पैनल तार है, ये इसमें पावर केबल होता है। इसको हम क्या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा देते हैं, उसके बाद इसको ऑन करते तो ऑन होता है। तो अभी हम लगाए नहीं हुए हैं इसलिए जो है कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो ये मशीन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अब दिखाते हैं आपको हमें और इसको कि कैसे करना है। देखिए इसको निकाल दिए तार को, और देखिए मदरबोर्ड के अंदर यहाँ देखिए ये फ्रंट पैनल पोर्ट होता है, इसमें स्विच दिए हुए हैं। तो यही स्विच दिया हुआ है, यहाँ से हम शॉर्ट करते हैं। देखिए पंखा चल नहीं रहा है इस समय ना, पंखा जो है सीपीयू का बंद है, ये पंखा सीपीयू का बंद है ये, और इसको भी शॉर्ट करेंगे देखिए पंखा चल जाएगा ये। ठीक है, ये पंखा देखिए बंद है इस समय। तो अब हम शॉर्ट करने जाए, देखिए पंखा चलेगा अभी यहाँ से, देखिए हमने शॉर्ट किया तो पंखा चल चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए मदरबोर्ड में एक स्विच दिया रहता है, और इसको जो है चालू बंद कर सकते हैं। तो पंखा चल रहा है तो हम इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हम दोबारा जो है इसको, अभी ये यहाँ लगा नहीं हुआ है, ये लगा नहीं हुआ, इसको हम दबा रहे हैं बटन को यहाँ से, ये देखिए दबा रहे हैं तो मतलब कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये इसके अंदर तार आया हुआ सीपीयू का, देखिए ये तार है, इस पर लिखा रहता है, सब पे अलग अलग लिखा रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पावर स्विच, देख सकते हैं लिखा पावर स्विच लिखा हुआ है। तो अब क्या है, अब फ्रंट पैनल के अंदर लगा देंगे इस पावर स्विच को, तो फिर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो बताता हूँ कैसे लगता है ये, पहले आप देख लीजिए। देखिए इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से हम यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है दोस्तों, पावर स्विच लग चुका है। अब देखिए हमारे इस मदरबोर्ड में लाइट जल रही है, मतलब लाइट जल रहा है यहाँ पर, और ये फैन ऑन नहीं है। तो पहले हम यहाँ से ऑन किए स्विच किए हुए थे, अब हम क्या करते हैं यहाँ से शॉर्ट करते हैं। देखिए फैन चल नहीं है, फैन बंद है इस समय, है फैन बंद है, और इसको हमने यहाँ से दबा दिया, देखिए फैन चल गया। इसका मतलब ये जो लगा हुआ ना आपका तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तार खराब हो जाएगा और ये स्विच खराब हो जाएगा तो हमारा ये कंप्यूटर मतलब मदरबोर्ड ऑन नहीं हो पाएगा। तो आज आपको फ्रंट पैनल के बारे में बताता हूँ कि इसमें रिसेट स्विच कहाँ दिया रहता है, इसके अंदर पावर स्विच कहाँ दिया रहता है, इसमें हार्ड डिस्क का जो है पावर लाइट कहाँ दिया रहता है, पूरा चीज बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि इसी से कनेक्टेड हो दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल पहली बार आए हैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल लाते रहते हैं आप सब लोग दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसको हमने निकाल लिया है और यहाँ से डिटेल्स हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं सब कुछ। ये देखिए एसएमपीएस लगा हुआ, देखिए कंप्यूटर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए एसएमपीएस का तार ये लगा हुआ है ना, इसको मैं उल्टा लगाऊंगा यहाँ पर, ये टूट जाएगा लेकिन लगेगा नहीं। तो इसमें क्या फायदा होता है कि हर सिस्टम से लगा होता है, देखिए इसका लॉक दिया हुआ, देख के लगाएंगे तो वैसे लगेगा। ये हो गया, तो उसके बाद 12 वोल्ट सप्लाई होती है, ये भी निकाल लेते हैं। अब चलते बताते हैं आपको फ्रंट पैनल के बारे में। देखिए इतना सारा जो पोर्ट दिया हुआ, आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा तार कहाँ लगेगा। तो आपको क्लियर वर्ड में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जब पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीके से ना, सब जगह सब लिखा रहता है, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रंट पैनल, देखिए आपके मदरबोर्ड में लिखा रहेगा फ्रंट पैनल लिखा रहेगा, देखिए एफ पैनल लिखा हुआ है, देख सकते हैं ना लिखा हुआ एफ पैनल लिखा हुआ। एफ पैनल के बाद में ये जो ब्लू कलर के आपके दो दिए रहते हैं, ये दिए रहते हैं यूएसबी, मतलब फ्रंट जो यूएसबी काम करना रहता है। देखिए नीला यहाँ लिखा हुआ यूएसबी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा यूएसबी, मतलब ये दोनों आपके हो गए यूएसबी के लिए, मतलब यूएसबी कनेक्ट करने के लिए। अब फ्रंट पैनल के अंदर ये दिया हुआ है, अब इसके नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ छोटा छोटा नीचे लिखा हुआ है पावर एलईडी और पावर स्विच, रिसेट स्विच और ये दोनों करके। देखिए जो पावर स्विच होता है उसमें माइनस प्लस नहीं होता है, कोई भी अगर आगे पीछे लगा देंगे दिक्कत नहीं। ये सब दिखाते हैं सिंपल तरीके से, जैसे ये देखिए ये स्विच दिया हुआ है, ये पावर स्विच है, ये पावर स्विच है ना, अब लगाना फ्रंट पैनल के अंदर। तो यहाँ मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पे दिया हुआ फ्रंट पैनल लगाने के लिए कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रिसेट नीचे लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ पावर स्विच लिखा हुआ है। तो जो ये दिया हुआ पावर स्विच वाला, अब इसको ऐसे यहाँ पे सिंपल लगा देना हमको है, ठीक है, इसको जो है सिंपल यहाँ पे ऐसे लगा देना है, देखिए लग गया। ठीक है, अब इसको लगने के बाद में हमारा स्विच ऑन, इसको उठा के उल्टा लगा देता हूँ यहाँ से मैं, अगर ये उल्टा भी लग जाता है, ये उल्टा भी लग जाएगा तब भी ये काम करेगा, इसलिए ये उल्टा सीधा लगने से पावर स्विच से कोई मतलब नहीं होता है। रिसेट का जो तार होता है वो भी उल्टा सीधा लगने से मतलब नहीं होता है, जो पावर लाइट होता है उसमें उल्टा सीधा लगता है दिक्कत होता है। तो पावर लाइट मतलब देखिए ये दिया हुआ है ना आपका ग्रीन कलर का दिया, ग्रीन वाइट दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा उल्टा सीधा लगा एक बार, अगर आपको लगता है कि नहीं इधर करना है तो चेंज कर, क्योंकि जब ये लगा देंगे तो यहाँ पे जो लाइट जलता है फ्रंट में ना ग्रीन कलर का,
तो उसी के माध्यम से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रंट पैनल लिखा हुआ है बकायदे तरीके से, तो आप पूरे मदरबोर्ड के अंदर लीजिए। ठीक है, तो पूरे मदरबोर्ड में आप सर्च करिए सिंपल तरीके से, मतलब इसका एक का लेके आपको लेंस लेकर चेक करिए, वो मिल जाएगा, छोटा लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा फ्रंट पैनल लिखा हुआ है, यहाँ यूएसबी लिखा हुआ, तो इसमें जहाँ तार जो दिया हुआ वही लगेगा। उसके बाद देखिए ब्लू कलर का दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं साटा पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर, और देखिए ये तार दिया हार्ड डिस्क वाले लगाने के लिए। अब ये भी देखिए, इसको भी मैं अगर जिस तरह लगता है उसे लगाऊंगा तो लग जाएगा ये। देखिए सिंपल तरीके लगा रहा हूँ तो लग जाएगी। तो ये आपकी मतलब हार्ड डिस्क में लगता है, ये साटा केबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और सिंपल तरीके से निकल जाता है ये हो, और ये हो चुका है। तो देखिए जैसे आप ये फ्रंट, तो आप देखिए यहाँ पे एक पिन गायब रहता है, उसके लिए जो है आप यहाँ पे ये स्पीकर लगा सकते हैं। तो बहुत सारा पोर्ट दिया हुआ सिंपल तरीके से। बेसिकली वीडियो ये बना रहा था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर उनका पावर स्विच खराब हो जाता है, चेक करना चाहते हैं मदरबोर्ड खराब है कि नहीं खराब है, तो कैसे चेक करेंगे वो। तो ये फ्रंट पैनल चेक करेंगे, फ्रंट पैनल चेक करने के बाद में जो पावर स्विच वाला बटन दिया था ध्यान से देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे आपको दिख जाएगा, और वहां पर लगा के इसको करेंगे। और नहीं अगर है तो पेचकस से सिंपल तरीके से मशीन को ऑन कर ली, पॉज लगा दीजिए, और देखिए यहाँ पर ऐसे दो दिया रहता ना, दो ये स्विच, इसको ऐसे शॉर्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये जो मदरबोर्ड का ये स्विच है, पावर स्विच है, ये देखिए पूरा केबल फ्रंट केबल आया हुआ है, इसको आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर कैसे कनेक्ट करना है। सिंपल तरीके से आपको क्या करना है कि पहला देख लीजिए, इस पर लिखा हुआ पावर स्विच लिखा हुआ है, तो यहाँ फ्रंट पैनल पे लिखा हुआ छोटे से शब्दों के अंदर, तो पहला जो मतलब मान लीजिए यहाँ पर 9 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 9 पॉइंट का जो पहला दो है ना यहाँ पे लगेगा, पावर स्विच लगेगा आपका यहाँ, सिंपल तरीके से इसको आप लगा दीजिए। ठीक है, ये लग गया है। उसके बाद जो है ऑन ऑफ स्विच के बगल में ही लगता है पावर एलईडी का लाइट, जो यहाँ पर लाइट जलता है, इसमें माइनस प्लस होता है, तो एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये उल्टा लग भी जाएगा दिक्कत कुछ नहीं होता, दोबारा इसको जो है आप निकाल लगा सकते हैं, यहाँ लगा दिया मैंने और यहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, लग गया ये। और फिर उसका देखिए दिया हुआ है हार्ड डिस्क एलईडी, इसमें माइनस प्लस होता है, यहाँ भी इसको देख के लगा दीजिए आप है, इसे क्या होगा कि जब हार्ड डिस्क काम करता है लाइट जलता है, ये हो गया। और उसके बाद दिया हुआ रिसेट स्विच दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख के आप यहाँ पर सिंपल तरीके बगल में लग जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लग गया। अब देखिए यहाँ पोर्ट हॉट पॉइंट लग चुका है। अब मतलब कंप्यूटर को मैं जो अपने यहाँ पर इससे ऑन करूंगा, सीपीयू को यहाँ से ऑन करूंगा, तो अब ये मशीन ऑन हो जाएगा और डिस्प्ले आ जाएगा। अगर ये खराब रहता तो ऑन नहीं होता, तो अब देखिए यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, यहाँ से ये पंखा नहीं चला, पंखा बंद है, तो सिंपल तरीके से हमने चलाया, देखिए पंखा चल गया। ठीक है, देखिए पंखा चल गया ना, इसका मतलब कि हमारा स्विच सही है। तो वीडियो बनाकर बताना आपको ये चाहता था मैं कि आपका अगर सीपीयू का स्विच खराब है या तार कटा हुआ, तो उसको प्रेस करेंगे तो आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा। क्या करना, मदरबोर्ड को निकाल लीजिए बाहर, और जो पावर स्विच होता है उसको जो है सिंपल तरीके से किसी पेचकस से शॉर्ट करिए, और शॉर्ट करने के बाद में आपका कंप्यूटर जो सिंपल तरीके से ऑन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर आपको ना, तो मुझे लगता है वीडियो पसंद आपको आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट में कमेंट भी बताइए क्या और किस टॉपिक वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एपिसोड में किस टॉपिक साथ में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।